दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते और स्वागत, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद और मरकज के 6 अन्य लोगों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC के सेक्शन 304 के तहत केस दर्ज किया है। ये सेक्शन है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती। क्या होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? कोई भी ऐसा काम जो किसी की मौत का कारण बने, ऐसा काम गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, भले ही ऐसा किसी को फिजिकल चोट करके किया गया हो या किसी और तरीके से। लेकिन जो भी नुकसान पहुंचाया गया है उसके पीछे इरादा हत्या का ना हो। इसके तहत धारा 304A उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। सजा कितनी है? इसके तहत सजा होती है आजीवन कारावास या 10 साल की कैद प्लस जुर्माना। ये गैर जमानती अपराध है, सेशन कोर्ट जमानत पर विचार कर सकता है। IPC में सेक्शन 299 से 304 तक हत्या का जिक्र है। इसमें इरादतन, गैर इरादतन, हत्या के लिए उकसाना जैसी तमाम धाराएं हैं। अब ये सवाल कि गैर इरादतन हत्या मर्डर से किस तरह अलग है? मर्डर में कोई भी एक्शन सामने वाले को मार डालने के इरादे से ही किया जाता है, जबकि गैर इरादतन हत्या में इस तरह के एक्शन तो हो सकता है लेकिन वो इरादतन नहीं होता। मर्डर के केस में धारा 302 लगती है, जो धारा चर्चित शीना वोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी पर लगी थी, जो धारा जैसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा पर लगी थी, और गैर इरादतन हत्या में धारा 304 जो हिट एंड रन केस में सलमान खान पर लगी थी। साल 1988 के एक लड़ाई झगड़े के केस में उस वक्त एक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पर भी धारा 304 लगी थी। हालांकि सिद्धू 2018 में इस चार्ज से बरी हो गए, तब तक वो क्रिकेटर से राजनेता बन चुके थे। मौलाना साद पर ये धारा लगी है क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर हजारों लोगों को मरकज में रखा मार्च के महीने में जब कोरोना वायरस बढ़ रहा था। इससे तमाम लोगों कोरोना वायरस इन्फेक्शन के शिकार हुए, कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई लोग साइलेंट कैरियर के रूप में देश के कई अलग अलग इलाकों में हिस्सों में अभी भी हैं। उन्हें अभी तक ढूंढा जा रहा है ताकि क्वारंटीन किया जा सके। कोरोना वायरस से जुड़ी और भी अपडेट, बाकी खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। दी ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। ललन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।